गाइस मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड के स्नैक जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। मैंने आलू को अच्छे से बॉल कर लिया और उनको हाथों से अच्छे से फोड़ लिया। फिर इसमें दो कटी हुई प्याज डाल दी बारीक, हरा धनिया डाल दिया कटा हुआ, हरी मिर्च डाल दिए मैंने इनको। अब इसमें सारे में मसाले ऐड करूँगी। एक छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च, एक छोटी चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और पाव भाजी मसाला जरूर डालें, से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये भी मैंने एक दो चम्मच ले लिया छोटी वाली। नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हमें डालनी है खटाई। खटाई से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो एक छोटी चम्मच खटाई। अब इन सबको मैं हाथों से मैश कर लूंगी, अच्छे से इसको मिला लूंगी। मैंने अभी आपके लिए बताया था वो मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब मैंने ब्रेड लिए हैं और इनके किनारी बिल्कुल कट कर दी है। अब ब्रेड की किनारी कट करने के बाद हम बेलन पे इन ब्रेडों को ऐसे करके दो दो तीन बेलने मार के प्रेस कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे पतला कर देंगे। सारे ब्रेडों को हमें ऐसे कर लेना है, ऐसे करके आपको ऐसे कर देना है, अच्छे से आपको ऐसे दबा देना है। सारे ब्रेडों को आपको लेके जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही आपको दबा देना है और ये ऐसा हो जाएगा पतला, ऐसे करके आपको ऐसे। हमें इस पे पानी लगा लेना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने इसको बेल लिया था अच्छे से। फिर हम क्या काम करेंगे, जो हमने आटे का डो बनाया गोल बनाया था उसको ऐसे करके लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हमने जो आलू का मिश्रण तैयार किया था वो आपको ऐसे करके बीच में किनारे से बीच में जैसा आप लगा सको वैसे आपको लगा देना है, ऐसे करके आपको दबा देना अच्छे से। और किनारियों को भी ऐसे करके आपको हाथ अंदर से करके ऐसे करके आपको प्रेस कर देना है। इसको भी ऐसे कर देना अंदर करके आलूओं को, और ऐसे करके प्रेस कर देना है आपको, ऐसे करके आपको सारे रूप ऐसे करके आपको प्रेस कर देना है। देखिए ऐसे बना लेना है। दूसरा ब्रेड ले लिया, इसमें भी चम्मच की सहायता से पानी लगा लिया और ऐसे करके प्रेस कर दिया। फिर हम इसको ऐसे करके गोल को लेंगे, ऐसे करके किनारी से लगा देंगे। और फिर हमने जो आलू का मिश्रण तैयार किया उसको ऐसे करके लेंगे और ऐसे करके लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे करके इस मिश्रण को किनारे से फिर लगा लेंगे, अच्छे से रोल कर देंगे। देखिए अच्छा सा बन गया। अब इसको हाथों की सहायता से ऐसे कर देंगे अंदर को, और इसमें भी ऐसा थोड़ा सा मिश्रण लगा देंगे जो हमने बनाया था, और इसको ऐसे करके प्रेस कर देंगे, क्योंकि तलते समय निकले ना, ऐसे करके हमें दबा देना है। बिल्कुल तैयार, ऐसे हमें सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए, सारे ब्रेड के रोल आलू भर के बिल्कुल तैयार कर लिए। अब हम चलते हैं गैस की। गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई में तेल अच्छे से लगा दिया, तेल भी अच्छे से हो गया है। अब हमने जो ब्रेड के रोल बनाए थे अब इनको हम करेंगे फ्राई, ऐसे करके तेल में डालते जाएंगे। आपको अच्छे से इसमें फ्राई करना, कम से कम दो तीन स्टेप में इनको फ्राई करें, अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक हम इनको फ्राई करें करके मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इनको हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे मैंने गोल्डन ब्राउन कर दिए। अब इनको हम एक सर्विंग प्लेट में निकालते जाएंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बरसात के मौसम में आप बनाइए जरूरी है। अब हम दूसरे स्टेप में भी दूसरे डाल देंगे इसमें, ऐसे सारे आपको फ्राई कर देंगे। एक से डाल अब हम इस स्टेप में भी अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होगा। अभी हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार हैं, देखिए कितने अच्छे बने।
आप इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। मैं इसका आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए देखिए कितने अच्छे बने हैं। अगर आज आपको ये मेरे ब्रेड की रेसिपी, ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सॉस लगा के इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।